बात मोदी शहर की है, नालियाँ भरी हुई हैं और इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, प्लास्टिक के ढेर हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, लोगों को आदत पड़ चुकी है ऊपर से निकलने की, देखा करने की। नमस्ते बच्चों, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ एक्सटेंड मौका देने के लिए। मैं जस्ट 2 मिनट पहले स्कूल में आया और प्रधानाचार्य जी ने, स्टाफ ने इंस्टेंट मुझे जो ये बोलने का, आपके सामने मेरी बात रखने का मौका मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जैसे सर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, आई वॉन्ट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उस चीज के लिए। जय है, जय बिंदास 29। मैं बेसिकली श्रीगंगानगर से हूँ, 10-12 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, पिछले 1 साल से भारत वापिस आया हूँ। मैं बीच बीच में ऑस्ट्रेलिया से भारत आता रहता था, 2 साल बाद। वहां और यहाँ के अंदर जब मैं एक बहुत बड़ा फर्क देखता था तो मेरी काया दुखती थी, मेरा मन मतलब विचलित होता था, मुझे बहुत ही दुख होता था कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा क्या है कि वो इतने साफ सुथरे हैं और हमारा भारत जो गंदगी के ढेरों से भरा हुआ है। मैं पूरे भारत की बात करने से पहले, आप जिसके शहर में आज आया हूं, दूदू शहर के अंदर, उस शहर का ही इतना बुरा हाल है और वो बहुत ही छोटा सा शहर है। ये कोई जयपुर जितना, चंडीगढ़ जितना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा शहर है और इसकी भी गंदगी की वजह से इतनी बुरी हालात है। तो जैसे सर अभी बोल रहे थे, उसके जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं। दूदू शहर के अंदर ना तो कोई जयपुर से पढ़ने आता है, ना जयपुर से पढ़ने आता है, ना अजमेर से कोई आता है, ना चंडीगढ़ से आता है। हम ही इस शहर में रहते हैं, हम ही हमारा जीवन यापन करते हैं और हम ही इसको गंदा कर रहे हैं। मेरी तो ये साइकिल देख रहे हो, मेरा ये परम 4-5 साल का है कि मैं इस साइकिल के ऊपर पूरे भारत का भ्रमण करूंगा, जहां तक हो सका, जितने लोगों से संपर्क हो सका, जितने स्कूलों से, जितने बच्चों से मिल पाया, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इसके प्रति जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैला सकूं। जब मैं घर से निकला था तो मन में कुछ शंकाएं थी कि मैं अकेला ही हूं। अब मैं कम से कम 20 स्कूलों के अंदर प्रोग्राम कर चुका हूं और मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूं, आज हम 20,000 हैं। ज्यादा वक्त मुझे नहीं दिया गया है, मैं शॉर्ट के अंदर सब कुछ बताता हूं। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम जितना प्लास्टिक, आप सब बच्चों की क्लासेस थोड़ी सी अव्यवस्थित हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं पूरे स्टाफ का थैंक्स करता हूं जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया। जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया और मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। नाम जय है, श्रीगंगानगर से हूं मैं। आप बच्चों के बीच में, आपके स्कूल के अंदर एक छोटा सा इश्यू लेके आपके सामने आया हूं। वो देखने में, सुनने में बहुत ही छोटा है, पर वो समस्या जो है वो बहुत ही बड़ी है। वो समस्या हम सबको मिलके सबसे पहले तो उस पर बात करनी होगी और उसके बाद हम उसके बारे में, उस समस्या का हल कैसे निकालें के बारे में सोचना होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम भारत को, हम हमारी धरती माता को स्वच्छ कैसे बनाएं, सुंदर कैसे बनाएं, इसके प्रति मैं 20-25 दिन से साइकिल के ऊपर भारत का टूर कर रहा हूं, आपके शहर तक पहुंचा और आप तक।
मेरा उद्देश्य जीवन का कहो तो ये है कि हम हमारे चारों तरफ जो गंदगी देखते हैं उस गंदगी से निजात कैसे पाएं। हम एक्सेसिवली जो हम प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं आजकल मजबूरी बंद कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा डीपली उसका अध्ययन करो ऑब्जर्व करो तो प्लास्टिक जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, चाहे अनचाहे आप नहीं भी चाह रहे हो तो भी हमें लगभग 90% प्रोडक्ट जो है वो प्लास्टिक के पैकेट्स के अंदर ही आती है। अब हमें उस चीज के बारे में थोड़ी सरलता से ये सोचना होगा कि उसके दुष्प्रभाव से उसकी वजह से जो हम अज्ञानता से ज्ञानता से मजबूरी से जो प्लास्टिक घर में लेके आते हैं उसके दुष्प्रभाव क्या है। जैसे सर ने बताया कि आपको इन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है बताया जाता है पर थोड़ी सी कमी यहां है कि हम उसको जहन के अंदर दिमाग के अंदर हम हमारे जीवन में उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। आपका छोटा सा शहर है, मैं अभी जिस चौक पे खड़ा था उसके चारों तरफ अगर आप नजर मारोगे तो हर तरफ गंदगी है, चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियों से नाले जो भी गवर्नमेंट ने जैसे भी बनवा के दिए हैं हमने उनको भर रखे हैं। मैं आप बच्चों के बीच में या मेरी इस कोशिश को लेके इसलिए पहुंचा हूं ताकि हम हर गांव में हर शहर में आप बच्चों के थ्रू हम हमारे पेरेंट्स को हम हमारे मम्मी पापा को हमारे परिवारों को जगा सकें, इसके दुष्प्रभावों के बारे में बता सकें। इसलिए आया हूं, कुछ छोटे एक मेथड्स भी बताऊंगा आपको और उससे पहले इनके दुष्प्रभाव क्या हैं एक तो वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो आपको प्लास्टिक के प्रति ये सोचना होगा, थोड़ा सा रिसर्च, क्योंकि आप फोन देखते हो सब सोशल मीडिया चलाते हो गूगल भी करना आता है, आई थिंक ऑल किड्स आर वेरी स्मार्ट, आजकल तो 2-3 साल के बच्चे को भी आता है। तो आप अपने बेस पर देखो, मैं बता के चला जाऊंगा उससे ज्यादा कुछ बदल नहीं पाएगा, पर आपको अगर इस बात में इंटरेस्ट होगा कि मुझे रिसर्च करनी है कि सर जो बात कर रहे थे उसमें सच्चाई कितनी है, तो आप गूगल पे सबसे पहले खुद के दम पर खुद के हिसाब से इसके दुष्प्रभावों को जानिए। प्लास्टिक जो है खासकर हम जो प्लास्टिक की थैलियों के अंदर जो सामान लेके आते हैं कुरकुरे चिप्स मत खाया करो, इट्स वेरी अनहेल्दी, बट उसके जो प्लास्टिक की जो थैलियां वो बहुत ही निम्न ग्रेड का जो केमिकल्स है उससे बनती है। प्लास्टिक की थैलियों की ये क्षमता होती है कि वो 100 साल तक भी जमीन के अंदर गलती नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, वो 100 साल तक प्लास्टिक मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा। अब वो जैसे ही पानी के टच में आता है, ऑक्सीजन के टच में आता है, हवा के टच में आता है तो वो अपने केमिकल्स रिलीज करने लगता है। आप अगर छोटा सा काम करके देखो, जैसे मैं हर स्कूल में बोलता हूं, मैं हर टीचर से भी यही निवेदन करता हूं कि आप जब भी घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते हो तो आप अपने चारों तरफ थोड़ी सी नजर मार के देखिए, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते चलिए कि हमारे चारों तरफ है क्या, क्योंकि इसे जागृति कहते हैं, इसे ही जागना कहते हैं। हम रोज नींद में आते हैं, नींद में चले जाते हैं, नींद में खाते हैं और नींद में ही सो जाते हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब जिस गलियों से होके आप स्कूल तक आए हो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा वहां कितनी गंदगी थी, हमारी संस्कृति के अंदर हमारी सभ्यता के अंदर हमें स्कूलों में बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि धरती जो है वो हमारी मां है, यही पढ़ाया जाता है, धरती को हम माता बोलते हैं और उस माता के ऊपर गंदगी करना कचरा करना ये तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना कि हम जिसको माता बोलते हैं उसी के ऊपर रात दिन गंदगी के ढेर लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को मिलता हूं मैं, बातें चलती है, बातें होती है, हर किसी को सरकार से एक
शिकायत है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। मैं जिस देश में रहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट नहीं करती है वहां, पर वहां के लोग जागरूक है, गवर्नमेंट इसलिए सब कुछ करती है। वहां जो आप जिस एज के अंदर हो, आपका जो ब्रेन है वो अभी डेवलपिंग मूड में है, चीजें बहुत जल्दी सीखता है, इसी एज में बच्चों को वहां सोशल इश्यूज के बारे में बहुत ही अच्छे से सिखा दिया जाता है। यहां भी हर स्कूल कोशिश करता है, पर हम सीख नहीं पाते, हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो माहौल है हमारे आसपास का वो ऐसा है कि हम एक दिन के लिए किसी चीज पे ध्यान देते हैं, एक बार के लिए ध्यान देते हैं, उसके बाद उसको जाने देते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा सभी प्यारे बच्चों से कि वो आज जब घर जाएं या घर से वापस कल सुबह स्कूल आए तो अपने आसपास देखते जरूर आए कि हम किस गंदगी से होकर जा रहे हैं, कितनी गंदगी के ऊपर से हम होके जा रहे हैं, कितनी गंदगी के ऊपर खड़े होके हम सामान से मार्केट से सामान लेके आते हैं, वही सब्जियां वही फल फ्रूट वही सब कुछ हम खा रहे हैं, तो ये इसका इसमें नुकसान किसका है? डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य का ही है, सीधे तौर पे हमें नुकसान कर रहे हैं। तो ये हम सबको मिलकर सोचना होगा इसे निजात कैसे हो। मैं निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ये कसम खाएं अपने मन में। आप प्यारे प्यारे जो बच्चे हो वो अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को, अपने घर पे भाई बहनों को जो आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं उनको बदल सकते हो। आप अगर ये प्रण करो कि मेरे घर में आज के बाद कोई भी सामान आएगा वो प्लास्टिक की थैली में नहीं आएगा, ये प्यारी प्यारी जो बच्चियां हैं इनकी तो जल्दी मान लेती है मम्मी पापा, मान लेते हैं ना। तो आप अगर अपने मम्मी पापा को जाके ये बोलोगे कि मेरे घर पे आज के बाद अगर सब्जियां थैली में आई या किसी भी तरह का प्लास्टिक आया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ये गंदगी नहीं खानी। एक छोटा सा काम ये है आप अपने मम्मी पापा को, क्योंकि आप हम यहां पे कम से कम अगर 200 लोग हैं इसका मतलब डायरेक्टली हम 200 परिवारों से जुड़े हुए, 200 परिवार बैठे हैं ना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जिस शिक्षण संस्थाओं से हम ज्ञान लेते हैं शिक्षा लेते हैं इनको इंप्लीमेंट करें, यहां जो भी सीखे वो जीवन में उतारे अच्छी तरह से, हम उसको ग्रहण करें। अब प्लास्टिक क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मजबूरी बन चुका है, आप सबकी सब चीजें बिना प्लास्टिक के नहीं लेके आ सकते, बहुत सी चीजें हैं जो मजबूरी में लेके आनी पड़ती है। आप सब अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करो कि सामान लेके आने के लिए पुराने कपड़ों के थैले बना के रखो, जितने भी कोशिश हो दो रखो चार रखो, अगर आप सक्षम हो, अगर सक्षम है आपका परिवार कि आप 100-200 थैले बना के सब्जी वालों को या किसी को फ्री में दे सकते हो तो वो भी कीजिए। देखो मैं हर स्कूल में बोलता हूं, सब बच्चों के सामने बोलता हूं, राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब करके आर्मी में जाके नेवी में जाके या हमारी जान की आहुति देंगे देश के लिए बॉर्डर पे जाके, वो भी राष्ट्र प्रेम है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या के अंदर हम इस धरती को कितना नुकसान कर रहे हैं, वो सीधा तौर पर हमारे देश को ही नुकसान है। तो हर चीज को हम राष्ट्र प्रेम से जोड़ सकते हैं। आपकी वजह से अगर कहीं गंदगी हो रही है, और इस डायरेक्टली एक बात और भूल गया मैं, प्लास्टिक की वजह से जो गंदगी होती है वो मुख्य कारण है बीमारियों का, ये मक्खियों से मच्छरों से हमारे तक पहुंचता है डायरेक्टली या वेरी इंस्टेंट, हमें नहीं पता चलता कि मच्छर खाने से क्या हुआ है, पर धीरे धीरे वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा होता है। आज जितनी भी आप हालात देखते हो हॉस्पिटलों के, कितने लोग बीमार पड़े हैं, कितने प्रकार की बीमारियां हमारे हमारे बीच में हमारे घरों के अंदर, हर घर में किसी न किसी की कोई ना कोई दवाई चलती है, तो ये हालात कैसे बने, इसके जिम्मेवार कौन है, इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करें। हम सब मिलकर अगर करेंगे, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर आप अकेले क्या कर लोगे, मैं जब आप लोगों के आप बच्चों के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे यह हौसला मिलता है, मेरे साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है और ज्यादा कि मैं अकेला नहीं हूं,
मेरे साथ ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं उनके सबके परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम भारत को स्वच्छ नहीं कर सकते। बहुत सी योजनाएं हैं उनसे जुड़ सकते हो। जब तक आप इंडिविजुअली अपने तौर पे ये प्रण नहीं करोगे कि मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, तब तक नहीं होगा। ये करता है, वो करता है, गवर्नमेंट करती है या दुकान वाले थैलियां देते हैं, वो हमें नहीं सोचना है। हमें सीधे तौर पे यही सोचना है, इसी बात पे काम करना है कि मेरे घर में आज के बाद प्लास्टिक की थैली नहीं आएगी। अब मजबूरी बंस अगर कभी आती भी है तो उनको आप गलियों के अंदर, नालियों के अंदर मत फेंकिए। छोटे छोटे मेथड्स हैं, जो एक मेथड्स मैंने अब मैं आपको जो बता रहा हूं, किसी भी प्रकार का एक छोटा डिब्बा या बोतल या जिसका एक छोटा सा मुंह हो, जिसका छोटा सा ढक्कन हो, वैसा कोई भी आप अपने घर के किसी कोने में रख दीजिए। जितना भी प्लास्टिक आप घर के अंदर मजबूरी बस लेके आते हो, मैं बार बार निवेदन करता हूं, जिंदगी में ये आदत डालिए कि लेके ही नहीं आना। मजबूरी बस लेके आते हो तो आप उस 2 किलो 4 किलो 5 किलो जैसे भी आपका जितना बड़ा परिवार है उसके हिसाब से आप उसके अंदर उन थैलियों को इकट्ठा करते जाइए। आप साल में हद से हद 1 या 2 डिब्बे भर पाओगे। इतना प्लास्टिक हम उसमें इकट्ठा कर सकते हैं 2 किलो 3 किलो की बोतल के अंदर भी, कि आप कम से कम 1 साल तक वो गंदगी, वो प्लास्टिक, वो थैलियां हम गलियों के अंदर जाने से रोक सकते हैं। दूदू जिस शहर में मैं कल से हूं, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा शहर है, इसको साफ सुथरा रखना, इसकी सफाई, इसको स्वच्छ रखना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। क्योंकि आप अपने अगर घर से प्यार करते हो, मम्मी पापा से प्यार करते हो, देश से प्रेम करते हो, तो शहर से भी करना होगा ना। घर से शहर, काम, फिर देश बनता है। सीधे तौर पे तो देश नहीं बनता कि मुझे शहर से तो कोई लेना देना नहीं है, पर मैं मेरे भारत से प्यार करता हूं। डायरेक्टली भारत से तो प्यार नहीं हो सकता ना, हमें सबसे पहले अपने घर से प्यार। आप घर की सफाई करते हो, सभी बच्चों के घर में सफाई होती है ना, तो वैसे ही ये काम, ये शहर हमारा ही है, इसको साफ करना भी हमारा ही काम है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं आप बच्चों को कि आप कल से सफाई करने जुट जाओ शहरों में, बट आप गंदगी ना करो ताकि हमें सफाई करने की जरूरत ही ना पड़े। सबसे ज्यादा गंदगी प्लास्टिक की वजह से होती है। प्लास्टिक अगर जहां डालोगे वो वहीं पड़ा रहेगा, उड़कर हवा के साथ दूसरी जगह चल जाएगा, तो वो खत्म नहीं होगा। आपके शहर में मैं आपकी स्कूल की तरफ आ रहे थे तो कुछ दुकानदार जो उस प्लास्टिक को जला के नष्ट कर रहे थे। मैंने एक दोनों से बात की, मैंने कहा सर ये आप जला क्यों रहे हो, सर जी खत्म कर रहे हैं। तो जिस प्लास्टिक की गंदगी ने हमें 50 साल 20 साल के अंदर नुकसान देना था, वो इंस्टेंट आज ही दे दिया। इसे जलाइए भी मत, जलाने से हमें डायरेक्ट जल्दी नुकसान होता है। इसको इकट्ठा कीजिए, रिसाइकिल कीजिए। थैलियां जिसके अंदर आप सामान ले आते हो मजबूरी में, उन थैलियों को इकट्ठा करके सब्जी वालों को, दुकान वालों को वापस दे दीजिए, ताकि एक थैली का हम बार बार प्रयोग कर सके। जब तक वो फट नहीं जाती उसको बार बार यूज करिए। आप बच्चों की ड्यूटी है ये कि आप इन चीजों का घर में ध्यान रखें। आप बच्चों का कर्तव्य है, ड्यूटी है। आज से एटलीस्ट, आज से पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर आज से आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि मेरे घर में जो थैली आएगी उसके अंदर कचरा बांध के मैंने बाहर नहीं फेंकना है। लगभग घरों में क्या होता है, सारे घर का कचरा मैं थैली में डालते हैं और बाहर डाल देते हैं। अब वो क्या करते हैं, उठा के आपके शहर के ही बाहर थैली जाके डाल देते हैं। खत्म तो नहीं हुआ, वहां से बीमारियों के रूप में आपको वापिस मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सा जागरूक होना होगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होना होगा, थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे आसपास में लोगों में, हमारे आसपास हमसे जुड़े हर बच्चे का कोई ना कोई एक फ्रेंड, एक कोई खास होता ही होगा ना। तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप अपने अंदर बदलाव लाइए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आज के बाद मैंने एक इंसान को बदलना है। तो सोच के देखो, यहां 200 हैं, एक दिन में हम 400 लोगों को बदल देंगे। 10 सालों में हमारा भारत, जिसको हम धरती माता कहते हैं, जिस राष्ट्र से हम इतना प्रेम करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी साफ सुथरा हो सकता है, पर हमें जरूरत है इस चीज के बारे में सोचने की। मैं प्रधानाचार्य से, मैं स्टाफ से भी ये बेनती करूंगा कि आप
वेट लिस्ट इस गंदगी के बारे में, स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसके बारे में, प्लास्टिक प्रयोग के बारे में बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी सिखाइए ताकि उनका माइंड डेवलप जल्दी हो, इन चीजों को साथ में लेके हो। जितना आप यहां सीख सकते हो, जब आप हमारी एज में, छोटा सा फैक्ट और बताता हूं, जो हालात हमारी धरती की आज है, आने वाले 30 साल के अंदर जब आप हम जितने हो गए 25-30 साल के, इस धरती पर जगह नहीं बचेगी रहने के लिए। आपको कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा धरती के ऊपर जहां हाँ ये साफ सुथरा यहां रह सकता हूं। हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर साथ में चलने होंगे। कोशिश कीजिए, आपके जब बर्थडे आते हैं, एक फैशन चल रखा है, मैं जिसके स्कूल में जाता हूं, स्कूल में टोफियों बांटने का, बर्थडे में टोफियां बांटी जाती है ना, बांटिए आप, मैं गलत नहीं कहूंगा, पर एक प्रण यह लीजिए कि मैंने हर बर्थडे पर एक पौधा जरूर लगाना है, हर बर्थडे पर एक पेड़ लगाना ही लगाना है, उसकी देखरेख मेरा कर्तव्य है। आप कितने बर्थडे सेलिब्रेट करोगे और हमारे भारत में, आपके शहर में, आपके गांव में कितने पौधे लगेंगे और कितनी स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी, ये सब आपके फायदे के लिए। आप इतने स्मार्ट हो, आजकल फोन ने बहुत स्मार्ट कर रखा है बच्चों को, थोड़ी सी स्मार्टनेस इस धरती के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने स्कूल के प्रति भी दिखाइए, चीजों को सीखिए। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रधानाचार्य सर जी का, जिन्होंने मेरे को या मेरे इस अभियान को बहुत ही सीरियसली लिया। अब सब बच्चे मेरे साथ, जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं ना, वैसे एक परण करेंगे, और ये परण मन से करोगे। कोई सर आए थे लेक्चर देके गए, भाषण देके गए, हमने सुन लिया, ऐसा नहीं होगा। ये परण क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, पर आप सोच के देखिए, जिस साफ सुथरे देश के अंदर मैं अपना जीवन यापन कर रहा था, रह रहा था, क्या मेरी कोई मजबूरी थी कि मैं इस गंदगी में आके मत्था मारूं? मेरी कोई मजबूरी थी? बिल्कुल मजबूरी नहीं थी, मैं मेरी साफ सुथरी जिंदगी जी रहा था, लग्जरियस लाइफ थी, सब कुछ था मेरे पास। तो ये आपके भविष्य के लिए है, ये आपसे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। इस धरती को हम सवर्ग बोलते हैं, पर सवर्ग बनाकर रखना पड़ता है। सवर्ग बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला, राष्ट्र प्रेम के लिए हर एक चीज पर काम करना पड़ता है। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से राष्ट्र प्रेम नहीं होता, हर चीज के लिए हम काम करें, इस भारत को, इस धरती को स्वच्छ करें, ऐसा प्रण आप मेरे साथ लेंगे, मेरे बाद में बोलेंगे कि हम आज के बाद प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, 3 बार बोलेंगे, मन से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, और ये परण लेकर बोलेंगे। आप अपने मन में ये परण लोगे, सिर्फ बोलना नहीं है कि बोलना हो गया, दैट्स इट, खत्म, मैंने तो बोल दिया था सर के पीछे पीछे, बोलने से नहीं होगा। आप इसके बारे में बात करिए, नींद मत लीजिए बेटा, थोड़ा ही तो पीछे पीछे बोलोगे हम आज के बाद प्लास्टिक का प्रयोग जोश के साथ, क्योंकि आपका ये जो जोश है, आपकी जो ये एनर्जी है, ये डाइवर्ट होती है मेरे पास, मुझे हौसला देती है कि मैं भारत के सारे स्कूलों में जाऊं, हर एक आदमी से मिलूं, हर एक व्यक्ति से मिलूं, हर एक नागरिक से मिलूं, ताकि हम इसको स्वच्छ भारत कह सकें। आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। बोल नहीं रही हो, मतलब करोगे? आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। आज के बाद हम प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। आज के बाद हम प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जयसर, आपने हमारे बालकों को आकर के प्लास्टिक का जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में जानकारी दी, और स्वच्छता भी हमारे राष्ट्र प्रेम का एक प्रतीक है ये बताया, और कई प्रकार की जो समस्या प्लास्टिक से उत्पन्न होती है, बीमारियां फैलती है, उसको दूर करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने की प्रेरणा इन बालकों को दी। विद्यालय परिवार, एक बार फिर से आपका पुनः पुनः आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।